कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके ट्यूटोरियल केसीएल ट्यूटोरियल में। आज हम बात कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 चल रहा था और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, सॉरी यूनिट नंबर 2 चल रहा है और उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एक नया एंटीबायोटिक के बारे में। दिस इज द एंटी मलेरियल ड्रग। जी एंटी मलेरियल ड्रग क्या होता है, आप मलेरिया से बहुत ही ज्यादा परिचित हैं। एक तरह का बुखार होता है जो मच्छरों के काटने से होता है और जिसमें हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम के जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो बहुत फैल जाते हैं। फीवर आता है काफी ज्यादा इंटरवल में, ठंडियां लगती हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं और कुछ दवाइयां इसके लिए चलती हैं। तो ऑलरेडी आपको हम जानते हैं, थोड़ा सा आज हम डिटेल जानेंगे जो आप नहीं जानते हैं, जो आपको सिलेबस हिसाब से पढ़ना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे गाइडलाइनिंग इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। तो उसमें जाने से पहले आपको डालना होगा व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया क्या होता है। देखिए मलेरिया की बात करिए तो आज से बहुत सालों पहले, ठीक है, आज से बहुत सालों पहले मलेरिया के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था। उनको ये पता था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बुखार आता है और ठंडी लगती है। और ये करीब 16 सेंचुरी के आसपास की बात है, लोगों ने देखा कि जिस जगह पे गंदा पानी रुका हुआ था, जहाँ पे बदबूदार खूब ढेर सारे मतलब की गंदगी फैली हुई थी और जहाँ पे हवा जो है बदबूदार थी, उन्हीं एरियाज में इसके पेशेंट ज्यादा मिलते थे। किसी को ये आइडिया नहीं था कि मच्छर उस नदी में होंगे, उस तालाब में होंगे, गंदे पानी में होंगे, वो आके काटते होंगे बीमार होंगे, उन्होंने किसी का आइडिया नहीं किया। लोग बस अंधा तुक्की वाला अंधी तुक्का मारते मारते लोगों ने कुछ नई नई बातें डिस्कवर की। देखिए कोरोना में रोज नई WHO रोज नई गाइडलाइन जारी करता है, रोज रैप मेडिसिन बताता है, आज कभी डेक्सोमेथासिन ले लो, कभी स्टेरॉइड ले लो, तो कभी डॉक्सीसाइक्लिन ले लो, तो कभी एवरबैक्टिन ले लो। मतलब उसे खुद नहीं पता है कि किससे सही होना है, बस जो जहां जैसे हो रहा है बस वैसे कुछ ना कुछ बदलता रहता है, क्योंकि एग्जैक्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन अभी हमें नहीं है। उसी तरह जब मलेरिया की एग्जैक्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उन्होंने लोगों को लगा कि जो बदबूदार हवा है उसके कारण ये बीमारी होती है, इसलिए इसका नाम मलेरिया रखा। एक्चुअल में मलेरिया दो शब्दों से मिलकर बना है, दिस इज द माल एंड एरिया। एरिया में हम मतलब एयर का है, यानी दूषित वायु। माल मतलब होता है कि इन्फेक्टेड या प्रदूषित। तो जो कि लोगों को लगता था उस समय, जो बहुत अच्छी डिस्कवरी नहीं थी कि दूषित वायु दूषित एयर के कारण लोगों को बीमारी होती है, इसे इसको मलेरिया नाम रखा गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि in the beginning of 16th century देयर इज नो आइडिया अबाउट दैट हाउ एनी मलेरिया इज मलेरिया डिजीज इज कॉज्ड। सो पीपल अंडरस्टैंड दैट इट इज कॉज्ड बाय द बैड एयर, सो दे नेम्ड मलेरिया एज अ मैल एरिया। ओके मलेरिया कैन बी सकते हैं मलेरिया कैन बी डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स मैल प्लस एरिया, इट मीन्स द ड्यू टू दिस डिजीज कॉज्ड ड्यू टू मैल एरिया या मैल एयर, ठीक है। लेकिन बाद में लोगों ने जाना कि नहीं, बात ऐसी नहीं है, इसमें एक खास तरह का मच्छर है जिसको हम लोग फीमेल एनाफिलीज कहते हैं। फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो ये खास तरह की मच्छर है जो कि मादा मच्छर है जिसके काटने से इंसान को मलेरिया होता है। ध्यान समझिएगा, मच्छर में भी कई स्पीसीज होती है, उसमें एनाफिलीज की बात हो रही है और मच्छरों में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल जैसे इंसानों में बड़े शरीफ से होते हैं, चुपचाप रहते हैं बीबी के डर से, उसी तरह से इसमें फीमेल में भी मच्छरों भी मेल होते हैं, उनका काम काटना नहीं होता, परेशान करना नहीं, तो वो फलों का रस चूस के अपना जीवन चलाते हैं, जबकि जो हमें काटने वाली मच्छर होती है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, ठीक है। तो जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटने से होता है, ये लेटर रिसर्च के बाद सामने आया, लेकिन कुछ दिनों बाद मालूम चला कि ना भैया इससे भी नहीं होता है, ये तो सिर्फ है टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर मतलब वेक्टर वाहक, जैसे मुझे अपने घर से अपने हॉस्टल जाना है तो मैं कोई टैक्सी हायर कर रहा हूँ, तो जो टैक्सी वाला है वो वेक्टर है मेरे लिए, मुझे यहाँ से वहां ले जाने पर। तो लोगों ने माना कि एक्चुअल में ये एक प्रोटोजोआ होता है, जिस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। उन्होंने कहा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है और ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मनुष्य के शरीर तक मच्छरों के द्वारा ले जाया जाता है, यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के द्वारा ले जाया जाता है। तो जो बीमारी का जो मेन काज है वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है और जो वेक्टर है वो एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है। तो लेटर ऑन आफ्टर द स्टडी इट इज फाइंड दैट द फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर फॉर द मलेरिया and it is basically caused by the protozoa plasmodium species, okay?
ये होता है। अब क्या होता है कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, जब कोई पर्सन बीमार है जिसको मलेरिया हुआ है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब किसी बीमार व्यक्ति को कोई मच्छर काटता है तो मच्छर क्या करता है, इस प्लाज्मोडियम को अपने अंदर सक कर लेता है और ब्लड के साथ मच्छर चला जाता है। और मच्छर क्या करता है, आधी लाइफ साइकिल इंसान के अंदर पूरी होती है, आधी लाइफ साइकिल मच्छरों के अंदर पूरी होती है, और फिर वही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसको मलेरिया शुरू हो जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा साइकिल चलता है जिससे मलेरिया होता है। धीरे धीरे स्टडी होती गई, लोगों ने पाया कि जो मलेरिया है इसकी प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज है जिससे मलेरिया होती है। उसमें है प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है, प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जिससे सबसे ज्यादा इंडिया में मच्छर इसी से फैलते हैं मलेरिया, और द प्लाज्मोडियम मैलेरी, ठीक है, एक और स्पीसीज आ गया है कोई पांचवा। तो चार स्पीसीज है बेसिकली प्लाज्मोडियम के, जिनके द्वारा हम देख सकते हैं कि क्या होते हैं बेसिकली मलेरिया हमारे शरीर में फैलते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल तो हम ले सकते हैं इस पॉइंट से। देर आर फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इज प्रेजेंट विच कॉजेज द मलेरिया। देर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये हमको कुछ छोटा छोटा हमने मलेरिया के बारे में जान लिया। अब हम थोड़ी सी नेक्स्ट टॉपिक पर जानेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। हमारा जो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है इसकी लाइफ साइकिल कैसे है, हमने आपसे कहा कि ये आधा जीवन मच्छरों के अंदर पूरा करते हैं और आधा जीवन किसी मनुष्य के शरीर में पूरा करते हैं। तो मच्छर और मनुष्य दोनों के लिए क्या होते हैं, एक तरह की इनकी आजीवन जीवन है, और मच्छर जो है वेक्टर है। तो इसके पूरे लाइफ साइकिल को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इसको हम दो फेज में इस तरह से दोस्तों डिवाइड कर सकते हैं। इधर वाला जो जो लाइफ साइकिल है वो वेक्टर की बॉडी में हो रहा है, यानी फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो के अंदर चल रहा है, और इतना जो लाइफ साइकिल है आधा ये होस्ट की बॉडी में हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं किसी ह्यूमन की बॉडी में, हमारे शरीर में, आपके शरीर में, ह्यूमन बॉडी में हो रहा है ये आधी साइकिल है, और जो आधी साइकिल है वो वेक्टर के अंदर भी होती है। उसमें भी जो ह्यूमन के अंदर भी जो साइकिल होती है उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, उसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कैसे होता है। पहले इसकी लाइफ साइकिल को समझ सकते हैं मोटा मोटा। लाइफ साइकिल हम ये समझते हैं कि किसी भी, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कि मलेरिया से बीमार है, उस मलेरिया के बीमार व्यक्ति के अंदर गैमेटोसाइट या मेरोजॉइट्स पाए जाते हैं। मेरोजॉइट्स क्या है, इस प्लाज्मोडियम स्पीसीज के छोटे छोटे अंडे, जिसको हम लार्वा कह सकते हैं, छोटे छोटे अंडे हैं जिसको हम लोग मेरोजॉइट्स या गैमेटोसाइट कहते हैं। जैसे ही ये क्या करता है, कोई एक मच्छर क्या करता है, जब ये कोई भी मच्छर किसी बीमार इंसान को काटता है, यानी मच्छर क्या किया, यहां से बाइट किया, क्या किया, किसी बीमार इंसान को, बाइट किसी को पेशेंट को, जब पेशेंट को बाइट करता है तो पेशेंट के अंदर जो ये गैमेटोसाइट्स हैं, मेरोजॉइट्स हैं, वो मच्छर के शरीर में चला जाता है। अब मच्छर के शरीर में अपना कार्यक्रम कैसे शुरू करेंगे, जैसे ये मेरोसाइट जाते हैं, इसमें गैमेटोसाइट्स होते हैं मेल और फीमेल, तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट आपस में मिल करके जायगोट बनाते हैं मच्छर की बॉडी के अंदर। ये जायगोट क्या करता है, थोड़ा सा डेवलप होता है, बड़ा होता है और बनाता है ओकाइनिड, और ओकाइनिड से बनता है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट क्या होता है, किसी भी मच्छर का एक एडल्ट स्टेज होता है, ये मच्छर के अंदर होता है, और ये जो स्पोरोजॉइट है ये क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर से ओवोसिस्ट को रिलीज करता है। ओवोसिस्ट क्या कह सकते हैं, एक तरह उसका एक मेच्योर लार्वा है जिसको वो रिलीज करता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मच्छर की बॉडी के अंदर ये यहां से लेकर यहां के तीन चार स्टेप हो रहे हैं, यानी गैमेटोसाइट आया, जायगोट बना, ओकाइनिड बना, स्पोरोजॉइट बना और ओवोसिस्ट बना। अब क्या होगा कि जब ये मच्छर, अब जिस मच्छर के लार्वा में, जिस मच्छर के बॉडी में ओवोसिस्ट बन चुका है, अब वो क्या करेगा, किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा। बाइट हेल्दी पर्सन, यहां पे क्या करेगा, किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा। दोस्तों जब ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो जो ये ओवोसिस्ट है वो मनुष्य के खून के अंदर चला जाएगा, मनुष्य के खून में चला गया, और खून में जाने के बाद ये यंग स्पोरोजॉइट अवस्था में कन्वर्ट होते हैं, और ये अपनी लाइफ साइकिल कहाँ पूरी करते हैं, कहाँ जाते हैं, सीधा जाते हैं मनुष्य के लीवर में। यानी जैसे किसी मच्छर ने आपको काटा और मलेरिया के ओवोसिस्ट आपके अंदर आ गए, तो वो ओवोसिस्ट सीधा कहाँ चला जाएगा, आपके लीवर में, और लीवर में जाने के बाद वो वहां पर डेवलप होगा, मेच्योर होगा और स्पोरोजॉइट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, स्पोरोजॉइट का। देखिए मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो लीवर के अंदर होता है, ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन जो होता है लीवर के अंदर होता है, और जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कहा होता है, मच्छर के अंदर होता है। अब लीवर के अंदर जब ये डेवलप होंगे तो लीवर में जब ये मेच्योर हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब ये लीवर से बाहर आएंगे। लीवर एक तरह से देखा जाए तो इनका एक मेकअप रूम है जहां पे ये तैयार होते हैं, और बाहर जो आके स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है वो ब्लड है।
ये जैसे ही मेकअप रूम से लीवर से बाहर निकलेंगे ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाके ये मेच्योर होते हैं। अलग अलग स्टेज होती है, रिंग स्टेज होता है, फिर ट्रोफोजाइट स्टेज होता है, ट्रोफोजाइट से साइजॉन स्टेज होता है और साइजॉन स्टेज में लेयर फट जाती है और सारे मेरोजॉइट्स बाहर निकल जाते हैं। तो ये स्टेज कहाँ चलता रहता है? हमारे ब्लड के अंदर। और जैसे ही मेरोजॉइट में जाएगा तो मेरोजॉइट से फिर ये मेच्योर होगा, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। और उसी समय जब किसी पेशेंट के अंदर, अब तो पेशेंट हो गए, पहले तो हेल्दी पर्सन थे, इतना कार्यक्रम आपके अंदर हुआ तो आप पेशेंट हो गए, अब आपको कोई मच्छर काटेगा तो फिर से वो मच्छर कहाँ चला, वो मेरोजॉइट कहाँ चला जाएगा? मच्छर के शरीर में, और अगला साइकिल मच्छर के शरीर में पूरा होगा। तो ये जो पूरा का पूरा स्टेज है, ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, यही हमारा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। आपको बस स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में आपसे एग्जाम में, क्योंकि आप फोलोजी पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, मलेरिया वगैरह आप पैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे, आपसे पूछा गया लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, लेकिन हाँ एग्जाम में अगर जब से इंट्रोडक्शन पूछेगा तो आप ये फिगर बना के एक्सप्लेन करेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। क्यों फिगर बनाइएगा, चीजें बाकी बताऊँ क्या लिखना है। अब देखिए, जो अब आप देख रहे हैं कि जो होस्ट के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है, वो भी दो चरणों में है दोस्तों। एक चरण आधा, जवानी का चरण, मेच्योर होने का चरण, परिपक्व होने का चरण, सुंदर होने का चरण, कॉस्मेटिक बने का चरण, कहाँ हो रहा है? मेकअप रूम में हो रहा है, लीवर में हो रहा है। और काम करने का चरण, बीमार, देखो जब तक लीवर है तब तक हमको बीमार नहीं करेगा, जैसे ही लीवर से बाहर आएगा ये हमारे W20 RBC को खाता है। आप मलेरिया क्या करता है, इसका भोजन क्या है? इसका भोजन है RBC। RBC को खाता है, खाता है, खाता है, हमारे शरीर में कमजोरी आना शुरू होती है, प्लेटलेट काउंट घटेगा, हीमोग्लोबिन घटेगा, कमजोरी आएगी, और जो RBC के किचड़े इकट्ठा होते हैं उससे फीवर आने लगता है, उससे राय मतलब झटके आते, ठंडी लगती है। तो ये सारा कब होगा? जब ब्लड में जाएगा। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है हमारी बॉडी में, दो स्टेज में है, एक तो जब वो लीवर में है और दूसरा जब वो हमारे ब्लड में है। तो जो ब्लड वाला स्टेज होता है दोस्तों, यानी यहां से यहां तक के स्टेज को, जो कि ब्लड वाला स्टेज है, इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ओके, आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, यानी जब तक हमारे ब्लड में है। और ब्लड के अलावा जब लीवर में है तो इसको बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, यानी यहां से लेकर यहां तक को एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, ये स्टेज हमारा सेकंड है और ये स्टेज हमारा फर्स्ट है, कुछ भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, या इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये दो स्टेज में होता है। तो जो इरिथ्रोसाइटिसिस क्या होता है, ये लीवर में रहेगा, और इरिथ्रोसाइटिसिस क्या होगा, ये लीवर के अंदर रहेगा। तो आपको लाइफ साइकिल बना के स्ट्रक्चर बनाना है दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, और आपको ये स्ट्रक्चर बनाना, कैसे लिखना मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पीसीज कंप्लीटेड इनटू द टू स्टेप, फर्स्ट हाफ स्टेज दे कंप्लीट इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड द सेकंड हाफ स्टेज दे कंप्लीट इनटू द वेक्टर बॉडी, यानी इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो एंड एनोफिलीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन एनी मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ एनी पेशेंट ऑफ मलेरिया, देन द गैमेटोसाइट या मेरोजॉइट स्टेज कम्स इनटू द ब्लड, comes into the body of the mosquito, and inside the body of mosquito the zygotes develop into the oocyst, and when and into the oocyst, and oocyst comes into the saliva of the mosquito. When at this stage, when mosquito which have oocyst in their saliva, when they bite into a healthy person, they release their saliva into the human blood. And after going into the human blood, this oocyst goes into the liver, and this is the first stage in the human body, which is called exoerythrocytic stage. This stage comes into the liver, and after in this liver, the spores matures and convert into the young sporozoite. And after releasing the after mature maturation, the second stage erythrocytic stage start in the, which is in RBC. And they release into the blood and goes into the and rapture the RBC and completed their cycle and convert into the trophozoite and saizoid and merozoite stage. ठीक है, and again after when any mosquito suck the blood of patient, it goes into the another mosquito. Okay, ये पूरी लंबी सी कहानी है जहां से आप इसको देख सकते हैं, इतना आपको लिखना आपके लिए काफी होगा। अब हम थोड़ा सा एक इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा इसका क्लासिफिकेशन है, एंटी मलेरिया ड्रग के क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिसको हम एंटी मलेरिया ड्रग कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली एंटी मलेरिया ड्रग, और इसमें लिखिएगा कि दोज ड्रग्स विच आर यूज टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया दे आर कॉल्ड एंटी मलेरियल ड्रग्स। बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, मेडिसिन केमिस्ट्री, यहाँ पे हम यही क्लासिफिकेशन याद करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर।
तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग एंटीबायोटिक मलेरिया जो ड्रग्स है उसको 10 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत आसान क्लासिफिकेशन है, 2-3 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। और कैसे याद करेंगे इसका ट्रिक बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग टॉपिक को खत्म करते हैं। तो पहला टॉपिक कैटेगरी है 4-अमीनो-क्विनोलिन, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कि 4-अमीनो-क्विनोलिन रिंग पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है क्लोरोक्वीन, एमोडियाक्वीन और पिपराक्वीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसमें क्लोरोक्वीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दिस इज क्लोरोक्वीन, एमोडियाक्वीन और पिपराक्वीन, ये सारा अक्षर मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। दूसरा है अगला क्लासिफिकेशन है क्विनोलिन मेंथॉल डेरिवेटिव, इसका एग्जाम्पल है मेफ्लोपीन, ठीक है, मेफ्लोपीन भी एंटी मलेरिया ड्रग होता है। तीसरी कैटेगरी है सिंकोना एल्ब्राइट, इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले बताया गया था सिंकोना ऑफिसिनेलिस के प्लांट के बार्क से निकालने वाले एल्कोलाइड को हम बोलते हैं सिंकोना एल्कोलाइड। इसका एग्जाम्पल है क्विनीन और पिनिडीन, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो क्विनीन और पिनिडीन की बात करते हैं। अगला है बिगुआलाइड, जी हाँ, आपने इसको पढ़ा था एंटी डायबिटिक ड्रग में भी। तो बिगुआलाइड जो है उसका एग्जांपल है प्रोगुआनेब, ये एग्जांपल है एंटी मलेरियल ड्रग होता है। अगला है डाई अमीनो पायरामाइड, जिसमें डाई अमीनो पायरामाइड रिंग पाए जाते हैं, उस ड्रग का एग्जांपल है पायरोमेथामीन, ओके, पायरोमेथामीन याद रखिएगा। अगला है 8-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव, जैसे हम 4-अमीनो थे यहाँ पे 8-अमीनो-क्विनोलिन है, और इसका एग्जाम्पल है प्रीमाक्वीन और टेफेनोक्वीन, याद है प्रीमाक्वीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो प्रीमाक्वीन और टेफेनोक्वीन ये दो अलग अलग ड्रग है। ड्रग नंबर 7 पे आते हैं हम लोग, सल्फोनामाइड एंड सल्फोन डेरिवेटिव, जिसमें सल्फोनामाइड यानी सल्फोन डेरिवेटिव रिंग है। तो इसका एग्जांपल है सल्फोडॉक्सिन, सल्फोमेथापायराजिन और डैप्सोन, ये तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है डैप्सोन, ढेर सारी यूज होती है। तो सल्फोडॉक्सिन, सल्फोमेथापायराजिन एंड डैप्सोन। नेक्स्ट है अमीनो अल्कोहल डेरिवेटिव, दोस्तों अमीनो अल्कोहल डेरिवेटिव मतलब इसमें किसका एग्जांपल है हेलोफोंटेरिन और लुमिफेंट्रिन, ओके, हेलोफोंटेरिन और लुमिफेंट्रिन। सेक्विटर्पिन लैक्टोन्स के एग्जांपल है आर्टिसिनेट, आर्टीथर और आर्टीमीथर, ओके, ठीक है। तो आर्टीथर और आर्टीमीथर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इंजेक्शन आते हैं आर्टीमीथर से, ठीक है। तो ये आर्टिसिनेट, आर्टीथर और आर्टीमीथर, ये आर्टिसिनेट नाम से आता है ये दवाई। अगला है एंटीबायोटिक्स की कुछ बात करें कटिंग नंबर 10, तो उसमें है डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे दोस्तों। तो हम डिस्कस करेंगे इन सभी ड्रग के जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में, उसका मेडिसिनल सिंथेसिस, उसके साथ उसकी केमिस्ट्री और उसके बाकी डिटेल्स के साथ। तो फिर हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, फिर एक टॉपिक और रह जाएगा, फिर यूनिट 2 की वहीं पे खत्म हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।